गांव की सुरक्षा की कमान अब छात्राओं के हाथ में। क्षेत्र में देश के प्रति सेवा भाव का उबाल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं में देखने को मिला। बिना वेतन के करेगी गांव व नगर की सुरक्षा। छात्राओं के देशभक्ति के जुनून की हो रही प्रशंसा। शिवपुरी जिले के कुलारस क्षेत्र में देश के प्रति सेवा भाव का उबाल छात्र छात्राओं में देखने को मिला। दरअसल हाल ही में नगर एवं ग्राम रक्षा समिति का पुनर्गठन कुलारस थाना में किया गया था। उक्त गठित की गई नवीन रक्षा समिति में कई कॉलेज के छात्रों ने शामिल होकर अपने क्षेत्र की रक्षा करने का वीणा उठाया है। युवाओं के इस जोश को देखते हुए दो छात्राओं ने भी कोलारस थाने में पहुंचकर उन्हें रक्षा समिति में शामिल होने की मंशा जाहिर की थी। कोलारस थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि हाल ही में रक्षा समितियों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनके पास अब तक नगर रक्षा समिति के दल में 27 पुरुष सहित एक महिला शामिल है। इसके बाद उनके पास लुकवासा चौकी क्षेत्र की रहने वाली कॉलेज की छात्र श्रद्धा मिश्रा और रक्षा रघुवंशी आई थी। दोनों ने नगर रक्षा समिति में शामिल होकर अपना योगदान देने की बात कही थी। दोनों छात्राओं को अब रक्षा समिति के सदस्यों द्वारा निभाए जाने वाले दायित्वों के बारे में बताया तो वह और भी प्रभावित हुई। इसके बाद दोनों को नगर रक्षा समिति में शामिल कर लिया गया है। लुकवासा की रहने वाली दोनों छात्रा श्रद्धा मिश्रा और रक्षा रघुवंशी ने बताया कि वह बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है। इसके साथ ही वह एसआई की तैयारी भी कर रही है। शुरू से ही उन्हें देश की रक्षा सुरक्षा में अपना योगदान देने की ललक रही है। जब उन्हें इस बात का पता चला कि पुलिस में बिना भर्ती हुए भी पुलिस के तौर तरीके वह रक्षा समिति में शामिल होकर सीख सकती है, यही वजह रही कि वह दोनों नगर रक्षा समिति में शामिल होकर अपने क्षेत्र की सुरक्षा में हिस्सेदार बनेंगी। इसके अतिरिक्त वह पुलिस के तौर तरीकों को भी सीखेंगी। कोलारस थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि दोनों छात्रा नगर रक्षा समिति में शामिल हो चुकी हैं। इसके बाद सबसे पहले वह महिला डेस्क प्रभारी के साथ मिलकर महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनके निवारण सहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम और कानून सीखेंगी, जिसके बाद वह क्षेत्र की महिलाओं को महिला सुरक्षा से जुड़े हुए कानूनों से अवगत कराएगी। इसके अतिरिक्त उक्त छात्राओं की ड्यूटी धार्मिक कार्यक्रम मेला सहित अन्य कार्यक्रमों में लगाई जाएंगी, जिसमें वह महिला एसआई के साथ मिलकर मौके पर मोर्चा संभालेंगी। कोलारस थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने दोनों छात्राओं की बेहतर भविष्य की भी कामना की। क्या नाम है आपको? रक्षा रघुवंशी। कहाँ की रहने वाली हैं? आप बेनारस में भर्ती हो, इसके लिए कैसे प्रेरणा मिली आपको? मेरी फ्रेंड से मिली थी। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि देश की सेवा के लिए कि ये करना चाहिए, इससे देश की सेवा होगी। बेनारस में इससे मिली थी। आपको जुड़े कितने दिन हो गए? रही है पुलिस में ही ज्वाइन होनी जरूरी थोड़ी है, जब शरीर पे वर्दी हो तभी हम देश की रक्षा कर सके। शुरू से इच्छा रही है जब? हाँ। नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दुर्गाशाह के रहने वाले हैं और इस टाइम में अब ये सेकंड ईयर चल रहा है और मैं कॉलेज कर रही हूँ। साथ में मेरी एसआई की तैयारी भी चल रही है। मैं पहले से एनएसएस से जुड़ी हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति से, और उसके बाद मैं एनआरएस की जानकारी मिली बच्चों के थ्रू, तो सोचा कि चलो देश के लिए कोई अच्छा योगदान होता है हमारे द्वारा तो ठीक है। इसलिए हम फिर आके हमने टीआई साहब से चर्चा की तो उसके बारे में जानकारी मिली और उसके थ्रू हम इस विभाग में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको कितने दिन हुए हैं जुड़े हुए? अभी 4-5 दिन ही हुए हैं मुझे यहाँ आए। प्रेरणा कहाँ से आई आपको? बच्चों से सुना था इस चीज़ के बारे में, तो फिर आगे हमने इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से जानने की कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये सब मिशन चल रहा है, तो भागीदारी हमें समझ में आई कि चलो भागीदारी करते हैं इसमें, तो उसके थ्रू फिर हमने यहाँ ज्वाइन किया है अभी। अच्छा, आपने 5 दिन में क्या सीखा अभी तक? 5 दिन में यहाँ अभी रेगुलर तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे नहीं भी हैं उसके बावजूद भी अगर इसमें जुड़ते हैं तो हर घर की सुरक्षा हम खुद भी कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का शायद सर ने आगे बढ़वाया है और इसी चीज़ को जानकारी, अगर हम सब बच्चों में इस चीज़ की जानकारी देते हैं तो हर एक घर से हम अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, आप और क्या संदेश देना चाहेंगी? और भी जो लड़कियां वो जुड़ना चाहती हैं सेवा के लिए, उनको क्या संदेश? जो लड़कियां जुड़ना चाहती हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो देश की सेवा हम किसी मतलब से नहीं करना चाहिए, निःशुल्क भाव से करना चाहिए। ना कि अब देश की सुरक्षा की बात है तो वहाँ अगर हम घर घर से अगर हम अपने अपने एक मोहल्ले का हर अगर नगर की हम सुरक्षा अगर करते हैं तो कोई भी हम एक पुलिस वाले लोगों की सहायता भी करते हैं, इससे कोई बड़ा इशू खड़ा नहीं हो सकता है। हम कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं आमतौर पर जो आए दिन केस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें वहीं के वहीं भी ख़त्म कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ी नहीं होने दे सकते, हम वहाँ उनको सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, एनआरएस में दो महिलाएँ दो लड़कियाँ शामिल हुई हैं, सर इनको पेटा कैसे आई? सर
ये हमारे यहाँ भी ग्राम रक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था, इसमें पुराने सदस्यों के साथ अभी हमने पीजी कॉलेज के छात्रों को भी इसमें जोड़ा है और करीब इस समय हमारे पास 27 पुरुष और एक महिला नगर रक्षा समिति और ग्राम रक्षा समिति में शामिल थे, जिनके माध्यम से हम विभिन्न आयोजनों को संचालित कर रहे हैं, विभिन्न लाइन ऑर्डर ड्यूटियाँ कर रहे हैं और ये लड़के काफ़ी कुछ पुलिस के साथ सीख रहे हैं और प्रेरणा पा रहे हैं। इसी क्रम में हमको 3-4 दिन पहले यहाँ श्रद्धा मिश्रा और रक्षा रघुवंशी जो लुकवा सकती हैं वो स्वप्रेरित होकर आए और उन्होंने निवेदन किया कि साहब ये लड़के लड़के जुड़े हैं, हम लड़कियाँ भी इसमें काम करना चाहती हैं, और उनको कार्य का तरीका भी समझाया गया कि महिला संबंधी सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार संबंधी जानकारी देना, महिलाओं के पारिवारिक विवादों के निराकरण के लिए हम आपका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम आपका क्या काम आ सकते हैं, उन्होंने कहा तो आपकी जो मेरे ठहरों महिलाओं के प्रति व्यवस्था होती है उनमें, तो वो उन्होंने सहर्ष ये बात पूरी हमसे चर्चा की कि सर ये क्या चीज़ें नगर रक्षा समिति, क्या वेतन मिलता है, मैं इसमें कोई मानदेय या वेतन नहीं मिलता है, ये निःशुल्क आपका जो है सेवा के घंटे आपको देना पड़ेंगे और हर वीक में 8 से 10 घंटे अगर आप देंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो दोनों लड़कियाँ बहुत ही अच्छी हैं और एक्टिव हैं और वो प्रेरणा स्वरूप आई हैं, जो अन्य छात्र कार्य कर रहे थे उनसे प्रेरणा प्राप्त कर से जुड़ी है। ये हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे प्रयत्नों से बच्चियों के मन में और छात्राओं के मन में, महिलाओं के मन में पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ है और थोड़ा प्रेरित होकर वो इस हमारी संस्था से, नगर रक्षा ग्राम रक्षा समिति से। इनको सर सुरक्षा के लिए अभी क्या इंतजाम किए गए, उपलब्ध कराए गए, जैसे कोई डंडा? अभी शुरुआती है तो इनको अभी पहले थाना कार्य के संबंध में बेसिक जानकारी दे रहे हैं। महिला ऊर्जा डेस्क हमारे यहाँ संचालित है, मध्य प्रदेश शासन की योजना है, PHQ से इसका सब व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम चलता है। हमारे पास महिला ऊर्जा डेस्क का कक्ष तैयार है, तो हम अभी उनको महिला ऊर्जा डेस्क में बैठकर महिलाओं की समस्याओं को सुनने और इसके अलावा जो समाज सेवी लोग हैं उनसे हम इनके लिए जो टी शर्ट है ग्राम रक्षा समिति लिखी उस तरह की टी शर्ट और पेंट अवेलेबल कराएंगे, और जहाँ भी इनकी ड्यूटी लगेगी तो हमारी सब इंस्पेक्टर हैं उनके साथ इनकी ड्यूटी लगेगी, तो जो अपनी लाइन ऑर्डर वगैरह ड्यूटी रहती है, और इस प्रकार ये पुलिस के साथ सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक।